राजनीति और क्राइम की खबरों की वजह से मुख्यधारा की मीडिया में से एक जरूरी खबर धीरे धीरे गायब हो रही है। ये खबर हमारे आपके लिए बेहद जरूरी है। खबर है दिल्ली के घुटते दम की। दिल्ली में प्रदूषण अभी भी गंभीर बना हुआ है। न जिम्मेदारों को चिंता है और ना ही आम आदमी को शिकायत। अब सब इसके आदि हो चुके हैं। गुरुवार को दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार देख नेता पीठ थपथपा सकते हैं, पर गंभीर कैटेगरी के प्रदूषण में आंशिक सुधार भी हो जाए तो कितना होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स कहीं 300 के आसपास और कहीं इससे नीचे रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन समग्र रूप से दिल्ली की हवा अभी भी बहुत खराब श्रेणी में है। अनुमान है कि अभी अगले कई दिनों तक इस स्थिति में बहुत बदलाव होने की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। बच्चों और बुजुर्ग पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। अस्थमा और सांस संबंधी रोगों के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। CPCB द्वारा जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI जो कि हवा कितनी साफ है बताता है, 400 के पार चला गया। वहीं आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में AQI 360 दर्ज किया गया, जबकि NCR में अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां AQI 350 से ऊपर है। अब उन इलाकों की बात कर लेते हैं जहां प्रदूषण ठीक ठाक उपस्थिति में है। अलीपुर 322, बवाना 360, द्वारका 322, बुराड़ी 320, जहांगीरपुरी 322 और ध्यानचंद 302, लेकिन जिम्मेदार इसे सुधार बता रहे हैं।